ओके, सो वी कंटिन्यू विथ मोशन इन प्लेन. एक डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम बनाओ डायरेक्टली. प्रॉब्लम समझ में आ गया क्या है डायग्राम से? आई एम श्योर प्रॉब्लम इज क्लियर. वी आर फायरिंग अ प्रोजेक्टाइल विद 40 मीटर पर सेकेंड. वी टू फाइंड दैट व्हाट एंगल वी शुड प्रोजेक्ट सो दैट जाके टारगेट बी को डम करके खत्म करती है. टारगेट बी इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड 30 मीटर अबव. इज द प्रॉब्लम क्लियर? वी हैव टू फाइंड थीटा. एक मिनट, प्रॉब्लम समझ में आया? अब ये प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम कैन बी डन वेरी इजीली बाय द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. यू नो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? एनीबॉडी रिमेंबर्स y इक्वल टू व्हाट? x tan थीटा माइनस क्या था, किसी को याद आ रहा है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी. एनीवन? विधि बच्ची? यस सर. कैन यू टेल मी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? बर्गेश, कैन यू टेल मी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल? चलो आई अलाउ यू टू गो थ्रू, सी वेयर आई हैव डन एंड टेल मी. हु विल टेल मी फास्ट? सर, इट्स y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. दैट्स रॉन्ग. 2 u square cos square theta. 2 है कि नहीं? जरा देखो, मैंने डिराइव करते टाइम 2 रखा है कि नहीं? सर, आई सेड 2. You said, okay, then it is right. Okay. तो यहाँ पे ना, the problem can be done very easily. X is given as 100 meter, y is given as 30 meter. X and y are given, g तो 10 ले लो, g equal to 10. तो यहाँ पे क्या आएगा? Therefore, y equal to x and 100 tan theta. माइनस जी यानी 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू स्क्वायर यानी 40 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सो वाई इक्वल टू 110 थीटा माइनस, अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. राइट, दिस विल बिकम, आई हैव डन द कैलकुलेशन. यू कैन अंडरस्टैंड हाउ यू have done. This will be 31.25. हाँ, यस. x के बदले मैंने डाला है कितना? अच्छा, पहले डाल देता हूँ. This will become confusing for you. 10 into x is 100 ka square. Therefore,
31.25 अपॉन, यहां से कोई मुझे हिंट देगा व्हाट शुड आई डू, यहां से कोई मुझे हिंट देगा, एनी वन ऑफ यू विल गिव मी सम हिंट ऑफ व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू सो दैट यू नो दिस बिकम्स इजी. टेन थीटा एक जगह, टेन थीटा एक जगह, कॉस थीटा, बड़ा प्रॉब्लम है ये तो. एनीवन, एनीवन ऑफ यू, एनीवन ऑफ यू, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एनीवन, चलो मैं हिंट दूं, हिंट, यू वांट हिंट, यू वांट हिंट, बोलो यस और नो. यस सर. अरे हिंट, हाँ ओके, हिंट देता हूं. हुसैन, यू मस्ट गिव मी दिस आंसर. हुसैन, यस सर, ये आंसर अभी तुम्हारे पास से आना चाहिए. वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आई हैव रिटन एज सेक्स स्क्वायर थीटा. अब बताओ, हु विल टेल मी, ये हिंट दे दिया मैंने. बोलो बोलो. Anyone? अरे बोल यार हुसैन, यू कैन टेल मी, दिस इज मैथ्स नॉट फिजिक्स. ओके, डू यू नो वन प्लस, वन प्लस व्हाट इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा? चलो कोई बताएगा मुझे, वन प्लस व्हाट इज सेक्स थीटा? दैट्स वेरी बैड. हुसैन, हुसैन दागीना वाला, अरे इसका आंसर दे ना. ये नहीं सुने तुमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा की, फर्स्ट टाइम सुना? अरे सुना है कि नहीं? यस सर. तो क्यों आंसर नहीं आ रहा था? हुसैन, आर यू देयर? यस सर. हाँ, तो क्यों नहीं बताया ये आंसर मेरे को? और वो ये क्या बताओ, खाली जनरल नॉलेज के लिए, वन प्लस वॉट इक्वल टू कॉट को ऐसा कुछ है तीसरा, वो क्या था? व्हाट इज द थर्ड? द वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक. कोसेक, कोसेक क्या? वन प्लस कोसेक इज इक्वल टू कॉट. वन प्लस कोसेक इक्वल टू कॉट, कोसेक एक्स इक्वल टू कॉट थीटा है सर. क्या वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा? अरे बाप रे. हुसैन, व्हाट अबाउट यू? अफीफ, ओम, विधि? अरे यार आई डोंट लाइक दिस, ये सब टेंथ में था आपको. वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी फर्स्ट टाइम देखा. आई डोंट लाइक, नो इसको ये नो क्वाड्रेटिक बन जाएगा ये इक्वेशन. वाई के बदले तो वैल्यू डालना यार, मैं भी गलती कर रहा हूँ. इधर क्या लिखूं वाई के बदले? वाई के बदले क्या लिखूं? वाई के बदले क्या लिखूं? एनीवन, वाई के बदले 30. क्वाड्रेंट देखो ना, 100, 30 ना. When you simplify this, you will get the quadratic as something like this. Put tan theta equal to x. And you will get
31.25 x square minus 100 x plus 61.25 equal to 0. When you simplify, therefore x squared minus 3.2x plus 1.96 b squared x equal to again 3.2 x equal to 2.375 ये हो सकता है क्या? Which one is not possible? Which answer is not possible? Tan theta का? Tan theta का which answer is not possible? Oh, can tan theta be more than one? Can no, tan sir. Theta be more than one? Yes or no? No sir. Huh? No, no. No, no. Okay. What about Afif? Can tan theta be more than one? Sir. देखो मैं ना क्वेश्चन पूछ के आपका नॉलेज बढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना. आई एम नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट यू. कैन इट बी पॉसिबल tan theta का वैल्यू मोर देन वन? अरे बोलो, यस और नो? अरे यस और नो बोलने को तकलीफ है क्या अफीफ? नो सर इट्स अफीफ. हाँ बट अफीफ का आवाज नहीं आ रहा है. अफीफ का आवाज नहीं आ रहा है. अफीफ हेलो सर. हाँ ओके. टेन थीटा मोर देन वन पॉसिबल है क्या? ये टेन थीटा बोलते 2.375 सर. आई थिंक इट विल बी लेस देन वन. नो दैट्स रॉन्ग. ओके मुझे बताओ व्हाट इज, डोंट राइट, व्हाट इज 1045? व्हाट इज 1045? Burgess, 1045? Burgess? Yes, sir. The half. 1045? Huh? Half. 1 upon root 2. 1 half. Upon root 2. Half. Okay. Vidhi, what about 1045? Vidhi? Om? Hussein? It's 1. 1045 equals to 1. Yeah, 1045 is 1. Sorry, sir, भूल गया. क्या भूल गया? What about 1060? 1060 कितना होता है? It's root 3. Root 3. And what is root 3 का approximate value? Root 3 का approximate value पता है? 1.732. 1.732 is more than 1 or less than 1? Than 1.732 is more than 1 or less than 1? More than 1. So, if 10 theta is possible more than 1, what are you talking? Nobody is saying this. Haan, khali main na isko logbook se kaise nikalna ho sikhana baki hai. But yahan pe likho theta equal to 67 degrees and 10 minutes. And the theta equal to 39 degrees, 31 minutes. There are two values possible. मतलब इससे भी फेंको दोनों टाइम पे टारगेट को लगेगा. Anybody can tell me how both answers are right? Anyone in the class can think
लॉजिकली एंड टेल मी दोनों आंसर राइट क्यों है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा. मैं थोड़ा नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ, इसके लिए आई एम टॉकिंग ऑल दिस. सिंपल पढ़ाना बहुत इजी है, बट यू नो ऐसे बातें करते हुए तुम लोगों के पास से अभी मालूम पड़ा ना, tan थीटा इज मोर देन वन होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं होता है. tan थीटा इज पॉसिबल मोर देन वन. हाँ ये दोनों आंसर पॉसिबल है कि वन ऑफ द आंसर इज रॉन्ग. बोथ आंसर्स आर पॉसिबल और वन ऑफ देम इज रॉन्ग. पॉसिबल और रॉन्ग कोई बोलना ही नहीं चाहता है. अरे बोलो रॉन्ग तो रॉन्ग, मैं कुछ चिल्लाता थोड़ी हूँ आपको. लेकिन 10:45 नहीं आता था, दैट वाज वेरी बैड. पॉसिबल है, मैं बताता हूँ कैसे. देखो इधर देखो कैसे पॉसिबल है. 39 degrees 31 minutes में क्या होगा, मतलब इसी तक जाके हिट करेगा ऐसा. और अगर जब मैं 67 degrees 10 minutes से पहुंचूंगा, फेंकूंगा ना उसको, like this, ऊपर आके फिर नीचे आके हिट करेगा. ऐसे ऊपर जाएगा और फिर हिट करेगा. इसलिए बहुत आंसर सर पॉसिबल. एक तो ये पॉसिबिलिटी, एक और डिफरेंस होगा, बड़ा डिफरेंस होगा. व्हाट इज दैट एनीबडी? एनीबडी कैन टेल मी वन मोर डिफरेंस इज पॉसिबल. व्हाट इज दैट डिफरेंस? चलो मैं हिंट देता हूं, टाइम. टाइम का डिफरेंस है. व्हाट इज दैट? एनीबडी कैन टेल मी? देखो यहां पे टाइम विल बी लेस, टक करके डर, और यहां पे टाइम विल बी मोर. ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे आते हुए, फिर पटार भी भाग जाएगा वहां से, बोलेगा अरे तो आ रहा है मेरे पास, आ रहा है. इन फैक्ट दैट पार्ट यू डू एज होमवर्क, मैं बता देता हूं. बहुत आंसर था पॉसिबल ना. यहां पे टाइम का आंसर रहेगा 6.4 to 442 seconds, और यहाँ पे टाइम का आंसर आएगा 3.24 seconds. ये कैसे निकालोगे? That I want to see. How will you do? ओके तो एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम अनएंडिंग है, बट आई हैव टू स्टॉप समवेयर. तो ये प्रोजेक्ट टेन की प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं. Okay, now you know, come to ऐसा रूलर मार दो एक बार. Should I put ruler once for all of you? बोलो बच्चों. Yes, एक बार रूलर मार. हाँ ओके. देखो प्रॉब्लम ऐसा था, यहाँ पे एक टारगेट था पाकिस्तान, पाकिस्तान की फौज, यहाँ पे पाकिस्तानी सैनिक था, यहाँ पे इंडियन सैनिक थे, उन्होंने देखा इसको मारने का. Alright. यहाँ पे उनके पास वेलोसिटी पता थी 40, ऑल ऑफ अ डिस्टेंस पता था 100 मीटर और 30 मीटर ऊपर बैठा हुआ है. ओनली ऑल ऑफ अ पता थी कितने एंगल पे फेंकी थी, डेफिनेटली जाके लगे. अंदर एक तो ये वाला फॉर्मूला प्रोजेक्ट एल का, x की वैल्यू 100 मीटर है, y की वैल्यू 30 मीटर है, ये हमको पता है. ये फॉर्मूला है हमारे पास. तो y के बदले मैंने लिखा 30, x के बदले लिखा 100, tan थीटा एल रिलीज, g के बदले लिखा 10, एक्स स्क्वायर इधर ही लिख सकता था मैं, चलो कोई बात नहीं, इधर 100 लिख सकता था मैं, नीचे लिखा मैंने 100 स्क्वायर टू यू कितना, यू इज 40 cos 30 का,
So 30 equal to 110 theta minus 10 into 112 upon 240 square cos square theta. 30 equal to 110 theta minus, ये सब simplify किया ना, इसको इतना part, तो इसका answer आया 31.25 upon cos square theta. Cos square theta ऊपर लेके गया तो sec square theta. But sec square theta is 1 plus 10 square theta. अच्छा बोले 10 theta रखा, इसको simplify किया तो we get this answer. इसको और simplify किया तो we get this answer. Then x निकालने का method हमारा. Minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. X का आंसर आता 2.375 और X का आंसर आता 0.825. That means 10 theta is this or 10 theta is this. So theta का आंसर ये और ये. दोनों आंसर पॉसिबल है क्योंकि एक में डायरेक्ट और दूसरे में ऐसे ऊपर जाते हैं और नीचे आके लिफ्ट करते हैं. टाइम मैंने निकाल के रखा है बट यू विल हैव टू वर्क आउट हाउ दिस टाइम कम्स दिस. वेयर टेक मोर टाइम ऐसे ऊपर जाके नीचे मारता है और डायरेक्ट मारता है. आई होप दैट इज क्लियर. ओ क्लियर जी नहीं. यस सर. यस सर. ओके तो अभी है ना आप लोग ये बुक पे आओ. ये वाली बुक उसमें मैं बोलता हूँ पेज नंबर पे आइए एंड जीतू विल रीड. जीतू पेज 97 मैच होता है ना तुम्हारा और मेरा. पेज 97 सब लोग देखो. कॉन्सेप्ट बाकी है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अभी करना बाकी है. रिलेटिव वेलोसिटी कैन यू सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है क्या उसमें बुक में. नो सर. एंड पेज 97 दैट्स राइट. तो मैं है ना नंबर पढ़ रहा हूँ 1 क्योंकि कुछ पार्ट अभी क्लियर नहीं है इसलिए मैं 1 4 अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर. क्या होता है लीनियर. देखो ये भी लीनियर है ये भी लीनियर है लेकिन ये लीनियर नहीं है. ये लीनियर बट ये लीनियर नहीं है. ऑल ऑफ यू एग्री बोलो यस और नो. ओके तो नंबर वन लिटिल ट्रिकी है. जीतू पढ़ो जरा जोर से. सर द पेजेस आर नॉट मैचिंग आई थिंक. 97 बराबर है. यू सेड 97. नो सर 97 सर 100 सर 100 पेज नंबर 100 देयर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके जाओ उस पे जाओ 100 पे. ओके व्हाट इज नंबर वन. For uniform acceleration in a regular motion, which of the following is not correct? Which of the following is not correct? Suno dhyan se. Which of the following is not correct? Bahut hai, bahut ye gadbad wale hai. Which of the uniform acceleration? Okay. Bahut tricky rehte hai ye sab. Tell me. What is acceleration means? What is the meaning of acceleration? Anyone? Sir, increase in speed with time. With time. And that is uniform. Matlab, it is uniformly changing. Velocity is changing uniformly. It is not velocity is constant, but velocity is changing uniformly. That is called uniform acceleration. So, tell me. Ye velocity hai. और ये टाइम है. यूनिफॉर्मली चेंजिंग कैन यू सी दिस ग्राफ इज करेक्ट और नॉट. दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम. इज दिस ग्राफ करेक्ट और नो. नो सर. नो सर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ. दिस ग्राफ का मीनिंग इज वेलोसिटी इज वेलोसिटी इज सर कांस्टेंट. दैट मींस व्हाट इज एक्सेलरेशन. Zero. But they are saying uniform acceleration. So no, this cannot be correct. Okay, what about this? Is this correct? Yes, sir. It is velocity. Yes, sir. Yes, it is changing uniformly. Can you see velocity is increasing with respect to time uniformly? Bolo? Yes, sir. Yes, sir. So that means it is linear or non-linear?
It is linear or non-linear when velocity versus time in uniform acceleration is linear or non linear. और डब्बे में आंसर क्या लिखा है? डब्बा देखो, डब्बा डी ऑप्शन क्या लिखा है? Velocity time graph is non-linear. Which is not correct because velocity time graph is linear in uniform acceleration. Therefore D is the answer. Therefore what is the answer? D is the answer. वहाँ पे लिख दो velocity time graph is linear और ये diagram बना दो. Therefore non-linear is not possible. उनके बाद फोर पे आओ, पहले कॉपी कर लो ये. हो गया? Yes. Okay. इसके बाद नंबर फोर पढ़ो. आफिस तुम पढ़ो, इसकी आवाज आज क्लियर नहीं है. सर, इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट देन द एक्स टी ग्राफ कैन बी ओनली. देखो, पार्टिकल इज एट रेस्ट, ये सपोज एक्स है और ये सपोज टी है. कैन यू सी पार्टिकल इज एट रेस्ट ग्राफ विल बी लाइक दिस. ये मैंने बताया, आई थिंक विधि हैड गिवन द बेस्ट आंसर. आई रिमेम्बर विधि ने बोला था ये आंसर. मैंने ग्राफी बनाया था, मैं बोला बोलो क्या है, तो सबने रॉन्ग आंसर दिया था. विधि हैड सेड द बेस्ट आंसर. विधि आपको याद है? विधि यू रिमेम्बर? यस सर. देखो ये ग्राफ ऐसा रहता है ना, तो देखो सुबह समझो 10 बजे, दिस लेट्स से दिस इज अफी, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर. तो 11 बजे भी 500 मीटर, 12 बजे भी 500 मीटर. दैट मींस पार्टिकल इज एट रेस्ट. पार्टिकल इज एट रेस्ट. याद आ रहा है आपको? यू रिमेम्बर दिस ग्राफ वी हैव डिस्कस्ड? यस सर. हाँ, तो टेल मी व्हिच आंसर इज करेक्ट. पैरेलल टू पोजीशन एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइन विद एक्यूट एंगल, इंक्लाइन विद ऑब्ट्यूस एंगल. Parallel to time axis. देखो टाइम के पैरेलल में ये बनाने का, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको ड्रॉ करना है, कहीं ना कहीं लिख के रखना है, सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू यू. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है. जब मैं बॉडी को ऊपर फेंकता हूँ, सुनो ध्यान से, जब मैं किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर ऐसे फेंका मैंने, tell me what happens to velocity. Velocity goes on decreasing. Goes on decreasing. It becomes zero where? Sir, at the maximum height. That is right. Or what about acceleration? Acceleration start mein jyada hota hai ki finally top point pe jyada hota hai? Sir, it remains same. It remains? Same. Same. When the particle comes to rest, tabhi kya rehta hai acceleration? Comes to rest at a maximum height. What will be acceleration then? Sir, after, then it will, sir, it remains same, acceleration remains same. It remains same, that is the answer. Beautiful answer. So, ab dekho, padho jara, Afif, tum padho, number 5. Sir, fifth question. Number 5, yeah. A body is thrown vertically upwards, maximum height is reached, then it will have. अभी बताओ, तुम लोग बताओ क्या आंसर हो सकते हैं. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो, ये सर्टेन है, तो देयरफॉर सी एंड डी कैन नॉट बी द आंसर. बोलो क्या होगा आंसर? बी. हाँ, बी, बिकॉज जीरो वेलोसिटी वो पक्का है, लेकिन एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है. -9.8 लेते हैं ना हम लोग. Whenever body is thrown up, g equal to -9.8. So constant hai na wo. So therefore, fifth ka answer is baba b. B is the answer. Okay. Samjha ki nahi? Yes, sir. Okay, number 6 karo. Number 6.
Number six. Which of the following is not a projectile? देखो बुलेट फायर फ्रॉम अ गन तो यू नो बुलेट ऐसे ऐसे जाके नीचे गिरते हैं अल्टीमेटली सीधा भी फिगर तो नीचे जाके गिरता है ना तो इट इज अ प्रोजेक्टाइल देन अ शेल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन कैनन से ऐसे ऊपर वो भी प्रोजेक्टाइल जरा देखो ना तुम लोग बोलो कौन सा नहीं है एरोप्लेन एरोप्लेन तो कंट्रोल मोशन रहता है प्रोजेक्टाइल थोड़ी होगी वो Projectile of the body thrown in the atmosphere and it is free to fall under gravity. उसको बोलते हैं projectile. Aeroplane कोई free falling body थोड़ी रहती है. And therefore, dabba is the answer. Dabba is the answer. Number seven. The range of a projectile is 1.5 kilometers, where it is projected at an angle of 15 degree with horizontal. Horizontal. Or what will be its range when it's when it is projected at an angle of 45 degrees with the horizontal? You can see problem. देखो ऐसे आ जाते हैं. और एकदम easy है ये. First of all, will you try on your own? देखो ना क्या करते हो. बिंदास try करो. Wrong तो wrong. Wrong तो wrong. चलो. बिल्कुल कर. उसके बाद है ना मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा बता problem क्या है. I will not ask the solution. Read the problem properly. I am going to ask you what the problem is. Read. Every one of you, I will ask any student randomly and I'll ask what the problem is. मुझे प्रॉब्लम कौन बताएगा मुझे बताएगा प्रॉब्लम लड़से किसको पूछूं ओ हुसैन तो नहीं भरगेश प्रॉब्लम बताओ यस सर सर व्हेन द एंगल इज प्रोजेक्टेड एट व्हेन द एंगल इज प्रोजेक्टेड 15 डिग्री इट हैज अ रेंज ऑफ 1.5 किलोमीटर सर व्हेन द And when the angle is projected 45 degree, what will the range? What will be the that's range? Right. Well, the problem is based on range. Range ka formula kya hai? R ka formula? U square sine 2 theta upon g. U square sine 2 theta upon g. Oh, mujhe pata hai. Okay, u ke baare mein kuch bola hai? 15 degree pe jo fake raha hai, with certain velocity. Do you agree? 45 pe bhi wahi velocity se fake raha hoga. Velocity change करने की बात नहीं हुई है so that means u is what it's a constant what is u constant g is what constant what is g constant therefore r proportional to what change का ही theta हो रहा है r proportional to sine 2 theta sine 2 जरा change होगा तो माने theta change होगा तो r change होगा so tell me what will be r2 by r1 anybody Anybody? ये मैंने सिखाया है आपको क्या करने का टू ये सफिक्स टू क्या आ सकता है किस चीज का जाएगा सफिक्स टू सफिक्स टू किस चीज का जाएगा इट विल बी साइन टू थीटा टू अपॉन साइन टू थीटा टू टू थीटा वन ये समझ में नहीं आया तो मुझे ना बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है सर Tell me honestly. प्यारे बच्चों understood. तो यहाँ पे what is the R2 ढूंढना है R1 कितना है 1.5 किलोमीटर sin 2 theta 2 यानी 2 into 45 upon sin of 2 into 30 2 into 15 ये समझ में आया क्या
2 into 45, 2 into 50. So therefore, R2 equal to sine 90 upon sine 30. Sine 90 kitna hota hai? 1. And what about sine 30? Half. So it will upar aa jayega. So R2 will be 3 kilometers. That's the answer. Therefore, C is the answer. C is the answer. C will be the answer. हो गया क्या कॉपी मारा कि नहीं कि एक बार फिर से बताऊं रूलर मार के ओ प्यारे बच्चों हाँ अरे जोर से बोल यार प्लीज डन ओके देन नंबर 8 रीड करो आफिफ Which of the following remains constant for a projectile fired from the earth? अब मेरे को मैंने कई बार पूरे लेक्चर में बहुत बार बोला मैंने कि ऐसी प्रोजेक्टाइल है इधर सपोज यू तो दिस इज यू कॉस थीटा एंड दिस इज यू साइन थीटा एवरीवेयर मैंने क्या कांस्टेंट बताया था याद है आपको किसी को भी सर द सर इट विल बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस There are two bachas, horizontal bacha, vertical bacha of velocity. ये वाला बच्चा कभी change नहीं होता है ये वाला बच्चा change होता है ये धीरे 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 कम होकर यहाँ पे zero हो जाता है फिर धीरे 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 बढ़ के यहाँ पे अगेन इंक्रीज होता है लेकिन ये वाला बच्चा horizontal बच्चा everywhere remains same. U cos theta, U everywhere U cos theta. Already ये मैंने बोला था कई बार बोला था तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताओ नंबर एट का D. Dabba is the answer. Dabba is the answer. Achha, ek aur baat batao na. What will be acceleration throughout the motion? Acceleration kahan hoga? Where will the acceleration be? Throughout the motion, acceleration kidhar hai? Hum log lete hai na? Y motion from this to acceleration kahan lete hai? It will be zero. Very bad answer. यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी है चलो मैं जब मोशन फ्रॉम जैसे ओ टू ए लेता हूँ वर्टिकल मोशन तो y इज एच मैक्स व्हाट अबाउट a के बदले क्या लिखते हैं हम लोग ए वाई क्या लिखते हैं ए वाई माइनस जी दैट मीन्स और माइनस क्यों लेते हैं सब देखा एक्सेलरेशन जी इधर रहता है ना एवरीवेयर जी इज डाउनवर्ड